शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हिम्मत है तो बाहर आना, हवेली के दरवाजे पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कुणाल ने ही मेरे करण को मारा था। काव्या ने हवेली के पेपर्स दादी माँ के कमरे में दादी और करण के फोटो फ्रेम के पीछे छुपाए हैं। सर वो लोग अभी उस गाड़ी में बैठ के बाहर के निकल गए। उधर मैं दादी माँ को फोन करती हूँ। मैं इस फोन को चेक करता हूँ, फोन ऑन तो हो गया है पर लगता है बहुत टाइम से किसी ने इसे यूज नहीं किया है। काव्या इसमें सिम तो है, कॉल लिस्ट देखता हूँ। ये देखो, इस फोन से करण सर को फोन किया गया था। और करण सर ने इस फोन पे वापस फोन भी किया है। देखो आठ मार्च होली का दिन 3:10 मैसेज चेक करते हैं। काफी आप करण सर से मैसेजेस में भी बात हुई है इस फोन से। क्या है इसमें? इसमें एक मैसेज है, कुणाल किसी जरूरी काम से करण को ठीक उसी जगह बुलाया था जहां उनकी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था। थे ना वो मेरे पास है, हमारे जीत का सबसे बड़ा हथियार हवेली के पेपर्स। अरे आपको जो मिला है ना वो तो कुछ भी नहीं है, असली हथियार तो मेरे हाथ लगा है। क्या? कुणाल की माँ का सच। मेनका मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसे देखकर तो समझ में आ जाएगा ना। अरे ये तो विक्रम भाई साहब है। और ये तो कुणाल की माँ है। कुछ समझे? इसका मतलब ये है कि विक्रम भाई साहब की पहली पत्नी कुणाल की माँ है। एग्जैक्टली। हाँ मुझे याद आ रहा है, वो जब भी घर में आती थी तो घूंघट में आती थी, इसलिए विक्रम भाई साहब को छोड़कर परिवार में किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी। देखा तो उन्हें मैंने भी कभी नहीं, पर इस फोटो को देखते ही मैं समझ गई थी कि कुणाल की माँ विक्रम भाई साहब की पहली पत्नी है। इसका मतलब ये है कि कुणाल अगर ये राज अम्मा को पता चल गया तो सोचो क्या कानाफूसी चल रही है। अम्मा जी कुछ नहीं हुआ। कुणाल के गुनाहों का सबूत इससे बड़ा हो ही नहीं सकता।
अब मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मेरे करण का कातिल कुणाल ही था। सितारों से जलता हूं कि मेरी काव्या को चुनने की हिम्मत कैसे। काव्या सिर्फ और सिर्फ मेरी है। क्योंकि तुम ही हो, तुम ठीक हो? नहीं, हमने अपने आंखों से देखा तुम दोनों कानाफूसी कर रहे थे। समय गवाने से अच्छा है कि काम पर ध्यान दो। याद है ना, 7 दिनों में अगर कामयाब नहीं हुए तो 7वें दिन हम तुम दोनों को हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। उसकी नौबत नहीं आएगी अम्मा जी, हम आप ही के पास आ रहे थे। दरअसल आपको कुछ बताना है और दिखाना भी है। हाँ अम्मा। क्या दिखाना है और क्या बताना है बोलो। फोन साइलेंट कीजिए अपना, फोन काटिए ना किसका। कुमार का फोन है, नहीं उठाकर तो कॉल कर देगा। 2 मिनट दे दो। ये क्या चल रहा है भानु, कोई हमें बताएगा? रैट, ये बचा ली रे रैट, मुझे मार डाले। भानु जी, मैं जानता हूं कि हवेली के पेपर्स आपके पास है और उन कागजों का आप अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले, ये भी मैं जानता हूं। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर भवानी जी के सामने आपने अपना मुंह खोला तो अपने बेटे की 13वीं के लिए तैयार हो जाइए। फैसला आपके हाथ में। किसका कॉल था भानु? क्या बात है भानु? एक कपला की तरह अब मैं आंसू नहीं बहाऊंगी। अब तक मेरा उद्देश्य था कि मैं कुणाल का सर दादी मां के सामने लाऊं, पर अब मुझे परवाह नहीं। कुणाल ने मेरे करण को मारा है, मेरी जिंदगी छीनी है, मेरे प्यार का गला घोटा है उसने, मेरा गुरूर, मेरा वजूद सब कुछ छीन लिया उसने। कातिल है वो। अब मैं उसी प्यार की कसम खाकर कहती हूं कि मैं काव्या करण प्रताप से, कुणाल गायत्री सिंह से उसका सब कुछ छीन लूंगी। अब कुणाल की बर्बादी ही मेरे जीने का असली मकसद बनेगी। कब से मैं धमकी दे रहा था, अगर अपने मुंह खोलो तो
रोगी को मार देगा। बात क्या है, तुम दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? फोन पर तुम किससे बात कर रहे थे? अम्मा वो ना, वो किसी का रॉन्ग नंबर लग गया था। और तुम हमें कुछ दिखाना चाहती थी, कुछ बताना चाहती थी, बोलो। तुम्हें क्या सांप सूंघ गया? बोलती क्यों नहीं? वो अम्मा, कुणाल की माँ। क्या कुणाल की माँ? कुणाल को नहीं पहचानती, इसलिए वो उसे मैम कहता है। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। हमें लगा तुम काव्या के बारे में कुछ बताने वाले हैं। वैसे खुद से भी ज्यादा हमें काव्या पर भरोसा है, मगर फिर भी हमने तुम्हें 7 दिन का समय दिया है, और 7 दिनों में तुम उसे गलत साबित नहीं कर पाए तो फिर उसके परिणाम के लिए तैयार रहना। हे भगवान, उस राक्षस के जंगल से प्लीज मेरे रॉकी को बचा लेना। ये रॉकी तुम्हें तो मैं छोड़ भी दूं, पर मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ सकता है। मैं मानूंगी, तुम्हारी हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस मुझे तुम यहां से जाने दो। ओके, दैट्स गुड। तो अभी तक जो कुछ देखा है, सुना है और बोला है उसे भूल जाना। सना, सना, सना! ज्यादा पड़ा है ना, तो इधर से ठोक दूंगा रोकी। जब तक मेरा काम नहीं हो जाता ये यहीं सटेगा। तुम क्या करने वाली हो काव्या? काव्या किसे फोन कर रही हो? अब से आधे घंटे बाद ठीक 4 बजे आप हवेली पहुंच जाइएगा। किसे हवेली बुला रही हो काव्या? क्या करने वाली हो तुम? आयुष्मान, ये सवाल तुम मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगी। पर क्यों काव्या? अगर मैंने तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे दिया तो तुम मुझे वो करने नहीं दोगे जो मैं करना चाहती हूँ, और मेरा ये काम करना बहुत जरूरी है। आज की हार का सहरा तुम्हारे बेटे के सर पर ही चलेगा। घुर क्या रही हो? अपनी बेटे की लापरवाही की वजह से आज वो पकड़ा नहीं जाता तो दो दो सबूत थे हमारे पास, दो दो सबूत। उन्हें दिखाकर हम मां का दिल जीत सकते थे, इस सवाल पर राज कर सकते थे। तुम्हारे बेटे के फंस जाने पर आज एक इतना बड़ा मौका हाथ से निकल गया। शांत हो जाइए, आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, वरना तो आज वो काव्या उसकी इस हवेली से छुट्टी हो गई होती। हमारे इस चेहरे के पीछे छुपे हुए चेहरे का सच अब हम जान चुके। अच्छा, तो इनको सब पता चल गया?
और आज मैं अम्मा जी के सामने तुम्हें बेनकाब करके ही रहूंगी। अच्छा हाँ, ऐसी बात है तो इस शुभ काम में देरी कैसी? बुला लीजिए। एक मिनट, मैं ही उन्हें बुला लेती हूँ। दादी माँ, दादी माँ। क्या किया तुम? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? बेवकूफ। दादी माँ। क्या बात है काव्या? वो चाची जी आपको कुछ बताना चाहती है, आइए ना। ये करना क्या चाह रही है काव्या? तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता भी है? मुझे सब पता है, तुम फिक्र मत करो। बोलना मत, शोकी कुणाल के कब्जे में अभी भी उसकी माँ के सामने वो बंद। चुप रहिए आप, अगर रोटी कुणाल के कब्जे में तो मत भूलिए, कुणाल की दुखती रख उसकी माँ हमारे कब्जे में, और ये वक्त डरने का नहीं कुछ गर्व सुनने का। क्या बात है मेनका? अम्मा जी इससे पहले मैं कुछ कहूं, आप ये पेपर्स देख लीजिए। क्या है ये? आपको छोड़कर यहां सबको पता है इस लिफाफे में क्या है, तो इसलिए आप खुद ही खोलकर देख लीजिए अम्मा जी। ये तो हवेली के पेपर से। कागजात ही नहीं अम्मा जी, बल्कि ये वो सबूत है जिन्हें ढूंढने के लिए आपने हमें 7 दिन का समय दिया था, और हमने 7 दिन से पहले ही ढूंढ लिया। हाँ अम्मा, कुणाल काव्य को ये पेपर्स बहुत पहले ही दे दिए थे, पर काव्य ने शातिर तरीके से आपसे ये बात छिपाई। पूछे इसे। ये क्या है काव्या? क्या भानु सच कह रहा है? इतना ही नहीं अम्मा जी, इस कालीन वाली की बेटी की हिम्मत तो देखिए, इसने इन पेपर्स को आप ही के कमरे में फोटो फ्रेम के पीछे छिपा रखा था। पूछे इसे? नहीं, ये नहीं हो सकता। काव्या बोलो बेटा, ये सच नहीं है? ये सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हमने तो सपने में भी तुमसे विश्वासघात की उम्मीद नहीं की थी। ये हमसे छुपाकर तुम क्या हासिल करना चाहती थी? ये जो हासिल करना चाहती थी, अगर आप ये जान जाएंगी ना अम्मा जी, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अम्मा जी अब मैं जो आपको दिखाऊंगी उससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर अपना खून अपना ही होता है और पराया खून पराया।
चाची जी रुक जाओ। अम्मा जी इस फोटो को जरा पलट कर देखिए। आ रहा हूं हवेली पर, मुझे कुछ तुमसे। हेलो इस फोटो में जो औरत है ना वो और कोई नहीं बल्कि विक्रम भाई साहब की नाजायज बीवी है। और ये जो बच्चा आप देख रही है ना ये और कोई नहीं बल्कि करण का सौतेला भाई है कुणाल। काव्या अगर आज भवानी जी ने मेरी मां को छुआ ना मैं आज सबको मार डालूंगा। और इतना ही नहीं अम्मा जी इस काव्या को पहले से ही इन सारी चीजों की जानकारी थी लेकिन तब भी सब कुछ जानते हुए भी इसने कुणाल की मां को यहां हमारी हवेली में आपसे छुपा कर रखा। और पता है अम्मा जी क्या इस तस्वीर का सच तुम पहले से जानती थी काव्या? हाँ दादी मैले कदम हमारी इस पवित्र हवेली के दहलीज पर दोबारा मत रखना। बस दादी माँ बहुत हो गया। आप इस घर की बड़ी पर कानूनन आप इस हवेली की मालकिन नहीं है और इस हवेली की 51% की मालकिन होने के नाते हवेली से जुड़ा हर एक फैसला लेने का हक मेरा है। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।